वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा क्योंकि आज इस वीडियो पे मैं आपके साथ एक एयरटॉप शेयर करूंगी जो कि टेस्टनेट का है और साथ में एक अपकमिंग आइडियो के बताऊंगी जिससे आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है और प्रीवियस आइडियो के बारे में भी बताऊंगी। साथ में एक एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था हमारे टेलीग्राम पे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लो ताकि इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू अच्छे अच्छे ऑफर लाने के लिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो श्योर करना, टेलीग्राम को तो मस्ट ज्वाइन करके रखना क्योंकि जो भी छोटे मोटे ऑफर लूट बग या कोई भी अपडेट आता है सारा कुछ डिटेली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करके रखना। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डेक्सलॉट टेस्टनेट के बारे में। तो यहाँ पर इनका जो मेरिडियम पोस्ट है यहाँ पर आप सारा कुछ डिटेल चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पर ये एबेक्स नेटवर्क पे ये स्टैंड हुआ है, मतलब यहाँ पर एबेक्स नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये मेननेट पे भी है और साथ में टेस्टनेट पे भी, यहाँ पर टेस्टनेट गाइड भी कर रखा है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो या तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने कीवी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर मेटामास्क को ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपना मेटामास्क को ऐड कर रखा है। इसके बाद क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा हमारी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पर मैं आपको टेस्टनेट वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, लिंक को आपको कॉपी करना है और अपनी कीवी ब्राउजर पे सिंपल से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद सिंपल से डेस्कटॉप मोड पे कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से आप समझ भी पाओ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है अभी ओपन हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर साइट पर आपको कनेक्ट वॉलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर उनके कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगा और प्राइवेसी पॉलिसी रहेगा, तो ये दोनों को आपको ट्रैक करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेटामास्क आपको सिलेक्ट करना है, तो ये मेटामास्क पर आपको रीडायरेक्ट करेगा, लॉग इन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्विच करने के लिए बोल रहा है नेटवर्क को, यहाँ पर हमें डायरेक्ट यहाँ पर स्विच नेटवर्क पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर कनेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वॉलेट है वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फास्टसेट का बटन मिलता है, फास्टसेट पर क्लिक करो। फास्टसेट पर क्लिक करने के बाद ये जो आपके एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। बस यहाँ पर आपको कैचअप फिल करके रिक्वेस्ट 10 एबेक्स पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर आपके वॉलेट पर 10 एबेक्स क्रेडिट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये होगा, ये होने के बाद आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सिंपल से ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी BTC और एबेक्स पेयर पे है, तो दोनों पेयर यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर एबेक्स BTC और एबेक्स USDT। तो आप ट्राई करना है दोनों पेयर पे आपको बाय सेल कर देना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर USDT सिलेक्ट करती हूँ, USDT एबेक्स। तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके वॉलेट पे जितने भी एबेक्स होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना डिपॉजिट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करो। उसके बाद आपके मेटामास्क पे आ जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन, इसे आपको कर देना है कन्फर्म। तो ये मैंने कर दिया कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म कर दोगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है फिर से वेबसाइट पे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करोगे तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन है वह सक्सेसफुल हो जाएगा और डिपॉजिट यहाँ पर आपका 10 एबेक्स का हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिपॉजिट मेरा होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बाय सेल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपके पास एबेक्स है उसे आपको सेल करना होगा। तो यहाँ पर हम प्राइस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर साइड पर आपको शो कर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको $250 की यहाँ पर एबेक्स आपको चाहिए तो यहाँ पर आपका ट्रेड हो सकता है। तो $250 की एबेक्स यहाँ पर कितना होता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मिनिमम यहाँ पर आपको 50 एबेक्स यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। तो पर आवर यहाँ पर आप 10 एबेक्स टोकन फाउसेट से क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो डिपॉजिट है बस सक्सेसफुल हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे वॉलेट पर यहाँ पर 20 एबेक्स जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें करना होगा ट्रेड, यहाँ पर हम लिमिट ऑर्डर पर कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर हमें एबेक्स को सेल करना होगा। किस प्राइस पे यहाँ पर आप सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर जो बाय ऑर्डर्स लग रहा है उसका जो फर्स्ट यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके पास आपने जितने यहाँ पर डिपॉजिट किया है उसे आपको सेल होगा। बस सेल पर क्लिक करो और यस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसे कर दो कन्फर्म।
तो ये कर दिया हमने नोटिफिकेशन को कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करोगे तो थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एवेक्स है वो सेल हो जाएगा और ये यहाँ पर आपको यूएसडीटी पे शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसडीटी पे आ चुका है। तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद सेम प्रोसेस आपको करना होगा, यहाँ पर आपको बाय करना होगा एवेक्स को। तो बाय करने के लिए यहाँ पर सेल का जो फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्डर पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ मैक्स कर दो। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको अगेन करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था और लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पर जैसे ही आप पाँच सेल करोगे, बस यहाँ पर आपको ट्रेड करना होगा, एक दो ट्रेड कर लेना और यहाँ पर ट्राई करना। यहाँ पर दो पेयर आपको मिलता है, एवेक्स बीटीसी और एवेक्स यूएसडीटी, ये दोनों पेयर पर आपको ट्रेड करना है। और जब डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखना $250 या उससे ज़्यादा का यहाँ पर आप एवेक्स डिपॉजिट करना। और यहाँ पर जब भी सेल ऑर्डर पे लगाना तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आपका जो ऑर्डर है वो शो कर जाएगी और यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल होने तक आपको वेट करना है। तो वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आपका बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आप यहाँ पर कर सकते हो। तो बस इतना ही करना होगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आप हर एक घंटे पे यहाँ पर आप फास्ट क्लेम कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा फास्ट यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो कर लेना और ट्रेड दो चार बार कर लेना यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पे, बस यहाँ पर आपका काम हो जाता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हो योकाई शॉप पे यहाँ पर जो प्रीवियस आइडियो था उससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर कुछ एलिवेशन जो हमें मिला था उससे हाँ प्रॉफिट हुआ था, जिसने करा होगा तो उनको पता ही होगा। तो यहाँ पर कम से कम $1,000 की यहाँ पर आपको इच्छी प्रॉफिट हो चुका है। तो उसके बाद इस वाले आइडियो पे आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारे यूजर को यहाँ पर जो है समझ नहीं आया था कैसे हमें क्या करना होगा और यहाँ पर सीकेबी और योग का जो है यहाँ पर एलपी हमें कैसे प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बाइनांस में आ जाना है। बाइनांस में आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सीकेबी को बाय कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नर्वस नेटवर्क पे मिलेगा, तो यहाँ पर सीकेबी यूएसडीटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ यहाँ पर आप सीकेबी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपका सीकेबी बाय हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिंपल वॉलेट पे आ जाना है। सिंपल वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपको मिलता है प्लस वाला आइकॉन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर सीकेबी लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो सीकेबी नर्वस का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सिंपल से सीकेबी। जैसे ही सीकेबी लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर नर्वस नेटवर्क पे आपको शो कर जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिसीवेबल बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बाइनांस पे आके विड्रॉल पर क्लिक करके यहाँ पर आप सीकेबी को विड्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर कैसे विड्रॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सीकेबी सर्च करना है और एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करना है और नेटवर्क जो भी है वो सिलेक्ट रहने देना है। मैच कर दो और यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हो। तो जैसे ही विड्रॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्वैप वाले बटन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करो। तो आपके पास जो भी सीकेबी उसे आपको ब्रेस करके नर्वस से गार्डविन नेटवर्क पे आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको ब्रेस का ऑप्शन मिलता है और उसके नीचे यहाँ पर आपको सीकेबी मिल जाता है। बस सीकेबी पर क्लिक करो, उसके बाद जो ऊपर आपको नर्वस और गार्डविन शो करता है यहाँ पर क्लिक करो। तो उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज शो करेगा, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको अमाउंट पे मैक्स करना है। मैक्स करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो भी सीकेबी है वो गार्डविन पे चला जाएगा। तो जैसे ही गार्डविन पे आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर डी आप वाला सेक्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करो। तो उसके बाद योकाई शॉप पे आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसे आप कंफर्म करना है। उसके बाद आपने जो भी सीकेबी लिया है उससे थोड़ा सा स्वैप करना है योक पे। तो यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा एक्सचेंज का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऊपर यहाँ पर सीकेबी सिलेक्ट रहने देना है और नीचे यहाँ पर आपको योक सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी सीकेबी लिया है थोड़ा सा फीस के लिए रखना है। उसके बाद जितने भी बचता है उसका हाफ यहाँ पर आपको दे देना है। सपोज करो यहाँ पर आपने 6200 यहाँ पर आपने सीकेबी लिया है तो उससे 200 यहाँ पर आप फीस के लिए छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर 3000 यहाँ पर आप स्वाप कर लेना है। यहाँ पर 3000 यहाँ पर सीकेबी को योग के साथ स्वाप कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पर स्वाप आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आर लिक्विडिटी पर क्लिक करना। तो यहाँ पर ऊपर सीकेबी सिलेक्ट रहने देना है, उसके बाद नीचे आपको योग सिलेक्ट करना। तो उसके बाद आपके पास जितने भी सीकेबी और योग है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एलपी प्रोवाइड कर देना है, बस इतना कर देना है। उसके बाद जब भी इनका लॉन्च पैड स्टार्ट होगा तो यहाँ पर लॉन्च पैड वाले सेक्शन पर आके आपके पास जितने भी एलपी है तो उसको यहाँ पर आपको कमिट करना होगा। जैसे ही हमने अदर लॉन्च पैड पे करते हैं बस यहाँ पर आपको कमिट का बटन शो करेगा, मैक्स पर क्लिक करके कमिट कर देना है। और जैसे ही सेल यहाँ पर ओवर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको क्लेम का बटन शो करेगा, तो यहाँ पर क्लेम कर लेना है। तो पिछली वाली आईडियो पे यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखेगा। तो यहाँ पर अगर आपके एड्रेस वेट लिस्टेड है तो यहाँ पर आप
ऊपर आके यहाँ पर वेट लिस्टेड पे जाके आप एलपी दे सकते हो, या तो अगर आपके एड्रेस वेट लिस्टेड नहीं है तो पब्लिक सेल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लेम का बटन शो कर जाएगा। तो ऐसे ही आप योग का एक लॉन्च पैड आईडियो पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके बाद जो मैंने बताया था यहाँ पर जो एनएफटी प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर आप मिंट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत ही हाई भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो मार्केट प्लेस है, इसका जो मार्केट प्लेस है यहाँ पर आप देख सकते हो कलाओ मार्केट प्लेस है, और एवेक्स न्यूज़ इसको फॉलो कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टोफू एनएफटी मार्केट प्लेस भी इनको फॉलो कर रहा है। बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट ये निकल सकता है। तो यहाँ पर इनके जो टोटल सप्लाई है यहाँ पर आप देख सकते हो 3333 यहाँ पर रियू एनएफटी आपको मिलेगी। और इसका जो प्राइस है यहाँ पर इनके डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना है, इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ में इनका जो मिंटिंग प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एवेक्स है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और रिस्की भी जा सकता है, बट यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अदरवाइज मुझे तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, इस प्रोजेक्ट पे मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। पिछले वाले इसका जो एनएफटी प्रोजेक्ट था बहुत ही अच्छा परफॉर्म वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि उसका मिंटिंग प्राइस 1 एवेक्स था और फ्लोर प्राइस लगभग 2.5 एवेक्स चल रहा था उसके 7 to 8 आवर के बाद मिंटिंग की। तो होप ये भी अच्छा सा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख लेना, अगर इनके डिस्कॉर्ड पे आप जाओगे डिस्कॉर्ड पे पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एवेक्स यहाँ पर 2.22 एवेक्स यहाँ पर इनका जो मिंटिंग प्राइस है, और ये जो मिंट होगा यहाँ पर आप देख सकते हो 4 February 9 AM ETC के हिसाब से, यहाँ पर लगभग हमारे IST के हिसाब से 7:30 समथिंग यहाँ पर आता है रात को। तो यहाँ पर उसके मिंट टाइम, उसके बाद अनाउंसमेंट पे जाके यहाँ पर इनके जो डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और ये इसका जो मार्केट प्लेस है ऑलरेडी मैं आपको बताया है कलाओ मार्केट प्लेस है। तो मार्केट प्लेस को ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मिंट होगा उनके मार्केट प्लेस पर होगा, और यहाँ पर आपको जो मिंट लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिंट करने से पहले। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करती हूँ, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हो थ्रेडोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करो और अपना जो मेटामास्क के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट कर लो अपने वॉलेट को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया। उसके बाद लॉगिन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो इसे आपको कन्फर्म कर देना है। बस हो गया, और यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हो गए उनके मार्केट प्लेस पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 February 9 AM ETC पे ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आप मिंट कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जब भी इनका मिंट लाइव होगा तो यहाँ पर इनके मार्केट प्लेस पे ही यहाँ पर आपको मिंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पिछले वाले जो प्रोजेक्ट थे यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फ्लोर प्राइस वगैरह वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ्लोर चल रहा है 2.70 एवेक्स पर। जो मिंट प्राइस था 1 एवेक्स था, और इसका फ्लोर प्राइस अभी 2.70 चल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली 40 सेकेंड पर ही ये सोल्ड आउट हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसे पिक नहीं कर पाई बस। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट पे हम जरूर ट्राई करेंगे। तो मैं तो जरूर ट्राई कर रही हूँ, तो आप देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये जितने भी प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, होप ये भी करेगा। तो यहाँ पर मिंटिंग प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है 2.22 एवेक्स यहाँ पर आपको लगेगी। उसका जो है कितने डॉलर की आता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका मिंटिंग प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, 2.22 एवेक्स यहाँ पर आपको लगेगा, और साथ में थोड़ा सा फीस। तो यहाँ पर लगभग $150 की आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। मुझे लगता है इजीली 2x to 5x हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो कल इसका मिंट होगा, तो इस प्रोजेक्ट पे तो मैं जरूर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने तरफ से लाइक या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।